टूडे वी वुड लर्न हाउ टू टेक टेस्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जब विंडोज़ uh, का एप ओपन करते हो या उसको वेबसाइट पर ओपन करते हो uh, आप उसको uh, ब्राउज में भी ओपन कर सकते हो आप उसको ऐप के तौर पर भी ओपन कर सकते हो जैसे मैंने ओन किया तो आपकी टीम्स आपके सामने आ जाती हैं तो मेरे सामने इसका जो टीम आई हुई है दैट इज टेस्ट टीम मैंने एक टीम क्रिएट की है स्पेशली फॉर मेकिंग दिस दैट वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू टेक टेस्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो आप इस टेस्ट टीम को मैंने क्लिक uh, करके ओपन किया तो इसके अंदर मैंने दो चैनल भी बनाए हुए हैं एक इंग्लिश और एक फिजिक्स का चैनल बना रखा है तो आपने जो टेस्ट बनाना है वो बेसिकली जर्नल में जा बनाना है क्योंकि जब आप चैनल uh, पे क्लिक करते हो तो उसमें आपको असाइनमेंट का ऑप्शन नजर नहीं आता लेकिन जब जनरल पर क्लिक करोगे तो आपको ये असाइनमेंट का ऑप्शन नजर आएगा ये असाइनमेंट के ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया तो असाइनमेंट का ऑप्शन जब आप पहली बार क्लिक करोगे तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा लेकिन जब आपने इसको पहले से क्लिक कर रखा होगा पहले से देख रखा होगा या एक टेस्ट बना लेंगे फिर ये आपको ज्यादा इजी वर्क करेगा तो ये गेट स्टार्टेड आपको लिखा नजर आ रहा है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद आपको ये क्रिएट का लिंक नजर आ जाएगा असाइनमेंट्स के अंदर और आइंदा से आप जब भी असाइनमेंट को क्लिक करोगे तो क्रिएट का लिंक आपको मिलेगा तो क्रिएट के लिंक पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप बनाते हैं याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप क्विज क्लिक करोगे और सब्जेक्टिव टाइप के लिए आप असाइनमेंट क्लिक करोगे ये बेटर वे है लेकिन अगर आप चाहते हैं क्विज क्लिक करके मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि अगर आप चाहें तो इवन क्विज क्लिक करके अपना जो टेस्ट है वो अलहदा से भी मेक कर सकते होते हैं तो गौर कीजिएगा ये मेरे पास कुछ टेस्ट बने पड़े हुए हैं मैं इन टेस्ट में से किसी भी टेस्ट को जो है वो यूज कर सकता हूँ ये टेस्ट मैंने कैसे बनाए आ, ये भी एक आर्ट है आप चाहें तो एक न्यू क्विज की तरफ जाए चाहे बने बने टेस्ट के मेरे पास चूँकि टेस्ट बने पड़े तो मैं इनमें से कोई भी टेस्ट ले सकता हूँ आप एक चूंकि आपने कोई टेस्ट नहीं अक्सर लोगों ने बनाया होगा पहले तो अपने न्यू क्विज पर क्लिक कर देना तो आपको एक नई वेबसाइट ओपन होगी जो कि फार्म ऑफिस डॉट कॉम के, के नेम से आपकी ओपन होगी और ये आपसे लॉग इन जो है वो पासवर्ड वगैरह मांगेगी तो आपका जो लॉग इन आई डी है आपने वही यूज करना है जो अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर यूज कर रहे हैं जैसे मैं अपना ये यूज कर रहा हूँ पासवर्ड हाँ आप लोग ज़ाहिर है वही दोगे जो उसके मुताबिक है तो ये मैंने पासवर्ड दे दिया तो ये असल में फॉर्म्स डॉट ऑफिस डॉट काम की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी ये फॉर्म्स डॉट ऑफिस की जो वेबसाइट है इस पर आप नया जो है वो क्विज़ बना सकते हो नया टेस्ट बना सकते हो अगर मैं इस वर्ड फॉर्म्स पर क्लिक करूंगा जो इधर लेफ्ट कॉर्नर पे दिया हुआ है तो जितने भी टेस्ट मेरे पहले से बने पड़े होंगे वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे जैसे आपको ये टेस्ट सारे मेरे बने हुए नजर आ रहे हैं सामने तो मैं उधर से भी न्यू क्विज पे जा सकता था मैं इधर न्यू क्विज पे क्लिक कर देता हूँ तो इस न्यू क्विज को मैं इसका नाम चेंज कर दूं मैं इसका नाम रख रहा हूं जी टू ठीक हो गया जी अब आप इधर इधर अपने कोई डिस्क्रिप्शन जो बच्चों को आप गाइड करना चाह रहे हो कि सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस या आप लिखना चाह रहे हो कि केयरफुली अटेम्प्ट विद इन फिफ्टीन मिनट्स चलो मैं ये लिख देता हूं विद इन फिफ्टीन मिनट्स ये एक उनको इंस्ट्रक्शन आपने जनरल दे दी एड न्यू अब आप किस तरह का क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं मल्टीपल चॉइस करना चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि वो टेक्स्ट आपको टाइप करके भेजे तो चूंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम एमसीक्यूज़ uh, को ले लेंगे तो इधर आप अपना कोई भी एम टाइप uh, जो है वो uh, कर रहे होंगे जैसे आप यहां लिख दोगे के अर्थ इज इन च ऑर्बिट तो यहां आप लिख रहोगे जी फर्स्ट आप टाइप करते हुए इसको देन सेकंड आप नया ऑप्शन ऐड करो थर्ड आप एक और ऑप्शन यहां से ऐड ऑप्शन से ऐड करो दैट्स फोर्थ तो ये आपके ऑप्शन एड अब आपको जो करेक्ट आंसर लगता है उसके आगे टिक को क्लिक कर दो और यहाँ आपने रिक्वायर्ड को जरूर क्लिक कर देना है रिक्वायर्ड करने से फायदा क्या होगा कि स्टूडेंट को वो जो है मतलब हर सूरत वो ऐड करना ही करना है आप नीचे उस क्वेश्चन के अपने मार्क्स भी लिखो वन पॉइंट आप दस क्वेश्चन ऐड करोगे खुद ब खुद वो टेन पॉइंट्स आपके ऐड कर लेगा देखिए इसी तरह से आप न्यू ऐड और करें जी आप चाह रहे आप टेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रेफरेबल uh, है कि आप ऑब्जेक्टिव वाले में सारे ऑब्जेक्टिव ही करें एमसीक्यूज ही करें उसका एक फायदा होगा कि वो टेस्ट आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा और खुद ब खुद आपका रिजल्ट बनकर आपके सामने होगा तो मैंने इसको एके एमसी को बना दिया करते 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 बहुत जितने क्वेश्चन चाहे वो आप ऐड कर सकते देखिए ये एक ऐड हो गया ये ऐड हो गया मैं जितने ऐड करना चाहूं मैं ऐड करता जाऊं क्वेश्चन थ्री आ गया तो आप उसकी चॉइस बनाते जाए सारा कुछ बनाते जाए और एट द एंड आपने कुछ सेव नहीं करना कहीं भी सेव नहीं करना जैसे आप फॉर्म्स में पे दोबारा क्लिक करोगे तो देखो टेस्ट टू आपका बना पड़ा उस पर क्लिक करोगे तो आपका आपके सामने जो है वो ओपन है अब हम सीखते हैं इसको अटैच कैसे करते हैं तो आपने जब क्रिएट करना है तो क्विज पर जाएंगे दोबारा जब तो आपने जितने भी टेस्ट क्रिएट किए होंगे जो अभी आपने एक न्यू क्विज बनाया देखो टेस्ट टू वो भी आपका शो हो गया कोई पुराना क्विज बना रखा है जो आप पहले से बना आप जितने मर्जी क्विज बना बना के वहां रख लें मैं एक सैंपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ क्विज बच्चे का लेने लगाऊँ तो यहां मैंने उसको सिलेक्ट किया और यहां से नेक्स्ट कर दिया तो अब वो मुझे स्केजुअल करने के लिए मांगेगा कि मैं इसको स्केजुअल कर दूं प्र तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है सैंपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट उसका नाम है यहां आप इंस्ट्रक्शन को स्पेशल देना चाहते हैं यहाँ तो वो इंस्ट्रक्शन ऐड कर दें तो मैं इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता हूं जी सिर्फ के सॉल्व इट चलो अकेला okay, सॉल्व लिख दिया टाइम सेव करते हैं असाइन टू टेस्ट टीम है जिस टीम को मैं असाइन कर रहा हूं यहां पर आपने जो क्लिक करना है इसको क्लिक करने के बजाय आपने इस एडिट पर क्लिक कर लेना है। ये डेट के किस डेट को कितने बजे हो जब आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आपको ये शो होगा आपने ये पर शो कर दिया तो असाइन असाइन टू टू दी तु इन फ्यूचर तो आप अपनी डेट की किस डेट को आप ये स्केजुअल करना चाहते हो लो जी मैंने आज की फोर्थ ऑगस्ट ही ले ली इस वक्त जो है वो सेवन थर्टी थ्री हो चुके हैं मैं इसको स्केजुअल कर रहा हूं जी सेवन 36 पर ताकि 7:36 पीएम पर ताकि वो फौरन उस वक्त शो भी हो जाए स्टूडेंट के एंगल से ले जी ये 7:30 को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं टाइम जो है वो मैनुअली चेंज कर लूंगा 7:36 ठीक हो गया जी मैं चाहता हूं कि इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो भी आज का दिन ही हो तो मैंने इसको फोर्थ ऑगस्ट कर लिया और इसका क्लोजिंग टाइम जो है वो मैंने 8 8 8 कर कर दिया। अब इसका मतलब 8 का मतलब का क्या होगा होगा। कि के के बाद कोई भी बच्चा टेस्ट देने काबिल नहीं होगा। close date में अगर अगर इसको select कर लेता हूं, तो ये 4 की 8 ही close date है। ये की ही है। आप बच्चे को देना चाहते हैं, देखिए उनको शो हो रहा होगा आठ बजे एंड होना है लेकिन एक बच्चा दो तीन मिनट ऊपर भी हो जाता है तो आप एक डाउट का फायदा देने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने थोड़ा सा टाइम उसको आप 8:15 कर दें आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत टाइम उसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं ये एक्स्ट्रा टाइम होगा और आपको लिखा भी आ जाएगा एट द एंड जब आपको रिजल्ट बच्चा टेस्ट सबमिट करवाएगा कि किसी बच्चे ने थोड़ा सा अगर आपको लेट सबमिट करवाया तो आपको वो लेट सबमिशन लिखी आ जाएगी वो आप प्रैकबूल करना चाहते हैं नहीं करते हैं। लेकिन आपने सेवन थर्टी सिक्स टू सेव एट पी एम तक आपने उसको टेस्ट टाइम दिया है आज के फोर अगस्त का मैंने इसको डन कर दिया अब आपने एक और चीज एहतियात करनी अगर आप चाहते हैं जर्नल में पोस्ट हो तो आप ओके okay, स्केजुअल कर दे लेकिन हम जनरल में पोस्ट नहीं चाह रहे होते हैं। हम चाहते होते हैं कि हमारी टीम में पोस्ट हो मतलब अगर मैं चाहता हूं ये इंग्लिश में पोस्ट देखो उसने फिजिक्स का ऑप्शन दे दिया मैं चाहता हूं ये नहीं इंग्लिश में पोस्ट हो तो मैं इंग्लिश पर क्लिक कर दिया और मैंने डन कर दिया तो अब ये गौर करें ये इंग्लिश यहां लिखा भी आ गया और अब आपने स्केजुअल पर क्लिक कर देना तो ये एग्जैक्टली सेवन थर्टी पर

सेवन थर्टी सिक्स पर वहां शो हो जाएगा मैं लेकिन आपको सब्जेक्टिव बनाना सिखाता हूं कि सब्जेक्टिव बेटर को आपको जाता हूं ये आपको बहुत फायदा देगा ये फायदा क्या देगा कि आप बच्चे से एक आंसर शीट पर सॉल्व करवाएंगे वो बच्चा आंसर शीट पर उसको सॉल्व करेगा और देन वो उसकी पीडीएफ या पिक्स की सूरत में उसको अपलोड कर सकेगा तो आपने जो है वो एंटर टाइटल जो है वो करना है तो मैं इसका नाम रख दिया जी सब्जेक्टिव टेस्ट लें जी सब्जेक्टिव टेस्ट इसका नाम रख लिया डिस्क्रिप्शन में फिर मैंने इधर सॉल्व भी लिख दिया जो भी आप उसको बच्चे को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं आप इसके पॉइंट्स कितने रख लें जी मैं इसके टेन पॉइंट्स रख रहा हूं जो आप उस सब्जेक्टिव के ऐसे है आप उसका रख लें आपने दस शॉर्ट क्वेश्चन दिए उसके अंदर तो आप दस शॉर्ट क्वेश्चन आपने साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया तो साथ लॉन्ग क्वेश्चन का रख लें ले। वो, वो, इस हम वो, वो हमारा अपलोड हो चुका हुआ तब है तो मैंने टेन मार्क्स रख लिए आप लॉन्ग शॉर्ट के सारे मिलाकर उसमें रख दें आपने काम क्या करना है ये देखो आपको नजर आ रहा है एड ये आपका क्वेश्चन पेपर आपने अपलोड करना है यहाँ जब आप रिसोर्सेज पर क्लिक करोगे तो जहा है वो थोड़ी से की तरफ उसने जाना है और तो आपने अपलोड फ्रॉम डिवाइस पर चले जाना है आपकी जो डिवाइस है आप फोन से कर रहे हैं टैब से कर रहे हैं तो वो आपको ओपन कर देगी जहां आपने वो पेपर अपना क्वेश्चन पेपर बना के रखा हुआ है सब्जेक्टिव जो आप बच्चों से वो क्वेश्चन लेना चाहते हो पेपर आपने उस पर क्लिक कर देना ये मैंने एक सब्जेक्टिव टाइप बना के रखा हुआ था अपलोड तो हो, हो जाएगा डन पे क्लिक कर दिया जी तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया यहाँ से आपने एक बार फिर uh, करना है कि आप जर्नल में select, करना चाहते हो कि टीम में पेस्ट करना चाहते हो किसी चैनल में तो मैं चुके इसको इंग्लिश चैनल में पेश करना चाहते हैं तो मैंने इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया लेकिन हमने अभी टाइम सेलेक्ट करना है तो फिर अगेन टाइम पर जाए और ये जो है वो फोर्थ ऑगस्ट जो है वो आपको हम फिर लेंगे आज फोर्थ ऑगस्ट की डेट तो ये फोर्थ ऑगस्ट की डेट ले ली टाइम ले लें सेवन थर्टी एट हो चुके हैं तो हम सेवन फोर्टी का टाइम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं जी आ, जो कि नियरेस्ट है सेवन फोर्टी पीएम यस uh, yes, ये एम ले लिया था हम इसको पी एम की तरफ लेके जाते हैं तो यस दैट इज़ सेवन थर्टी पी एम इसको थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं तो ये सेवन फोर्टी में जी कन्वर्ट हो जाएगा लेंजी इसकी क्लोजिंग डेट भी आप फोर्थ ऑगस्ट ही करना चाहते हैं फोर्थ ऑगस्ट कर लें और आप कितने बजे तक वो चाह रहे हैं मतलब आप चाह रहे हैं कि वो एट ओ क्लाक तक करें लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा क्योंकि शुरू शुरू में बच्चों को एक मुश्किल पेश आ रही होती है सब्जेक्टिव में स्पेशली तो ऑब्जेक्टिव आप इन क्लास ले रहे हैं पंद्रह मिनट दे रहे हैं बीस मिनट दे रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें क्योंकि उसने सॉल्व करना है देन पिक्स लेनी है और देन आपको अपलोड करके देनी है तो मेरा सजेशन है कि आप उसको रात का तक का टाइम दे दें को पांच छह सात घंटे ज्यादा क्योंकि उसने पीछे भी आगे लेक्चर पढ़े होना है तो क्लोज टाइम भी मैंने वहीं कर दिया और मैंने इसको डन कर दिया और कैजल कर दिया तो ये भी इंग्लिश टीम में अभी पेस्ट हो जाएगा जैसे आप इंग्लिश टीम खोलोगे आपने इंग्लिश टीम खोली तो देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पेस्ट हो चुका है क्योंकि उसका हमने 736 टाइम लिया था ले जी 740 होते ही हमारा सब्जेक्टिव भी पेस्ट हो चुका है तो बच्चा क्या करेगा बच्चा इस व्यू असाइनमेंट को क्लिक करेगा इस व्यू असाइनमेंट को तो आप भी इस व्यू असाइनमेंट को क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इस व्यू असाइनमेंट को क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा किस बच्चे ने सॉल्व किया है किसने नहीं सॉल्व किया हम स्टूडेंट के परस्पेक्टिव पर जाकर इसको सॉल्व करते हैं और इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं तो ये मैंने स्टूडेंट का परस्पेक्टिव ओपन कर लिया है जी स्टूडेंट uh, ने जैसे अपनी टेस्ट टीम को ओपन करना है तो उसने जैसे ही वो इंग्लिश के चैनल पर जाएगा उसको दोनों टेस्ट नजर आ जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव का करेगा व्यू असाइनमेंट तो उसको ऑब्जेक्टिव की जो व्यू असाइनमेंट है वो uh, नजर आ जाएगी जहा मैंने बोला था पहली बार ओपन होने में वो थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है तो स्टूडेंट के एंगल से भी तो ये देखें सुन को आपको नजर आ रहा होगा सैंपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो वो बच्चा इस टेस्ट पर क्लिक करेगा जैसे वो इस टेस्ट पर क्लिक करेगा तो वो जो टेस्ट आपने बनाया था वो उसके सामने प्रॉपर शो हो जाएगा ये जो भी आपने अपलोड किया था पहले से बना के रखा था मैंने एक टेस्ट बना के रखा था दो तो क्वेश्चन जो लगाना था वो ले लिया जी हमने कन्फाइंड तो बच्चा जो भी आंसर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मैथ्स जहां से भी देना चाहे वो दे सकता है बियॉन्ड का श्रेणिम उसने देना था तो बियॉन्ड का श्रेणिम क्या दे दिया जी अवे तो बच्चे ने कर दिया सबमिट जब वो सारा ऑब्जेक्टिव क्या सबमिट करेगा तो थैंक्स उसको लिखा जाएगा वो रिजल्ट भी अपना देख सकता है चूँकि आपने टिक कर दिया था तो उसके गौर करें टू ओवर टू पॉइंट आए उसको यह भी आ गया कि कौन सा उसका करेक्ट था और अगर उसने कोई गलत किया होगा वहां क्रॉस लगा आ जाएगा और उसको बता दिया जाएगा कि आपने ये गलत किया और आपका ये आंसर आना था अब अगर हम टीचर एंगल पर जाकर दोबारा देखें तो टीचर जो है वो इस व्यू साइन पर क्लिक करके देख सकेगा कि बच्चे ने किस किसने सॉल्व कर दिया और किस किसने अभी ये सॉल्व नहीं किया तो गौर करें टर्न इन मतलब इस बच्चे ने भी टर्न इन कर दिया है और इसके टू आउट ऑफ टू पॉइंट कर सकता है हो रोल के आगे लिखा हो उसने कितने ठीक किए कितने पॉइंट्स आए सारा उसका रिजल्ट जो है जो है वो, वो मौजूद होगा अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप पे और स्टूडेंट के परस्पेक्टिव पर जाकर पहले सब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करते हैं तो हम दोबारा टीम पर गए टीम जो है उसमें इंग्लिश के चैनल पर जा रहे हैं जी तो ये सब्जेक्टिव टेस्ट आ गया जो हमने उधर बना के पेस्ट किया था तो सब्जेक्टिव को व्यू किया तो बच्चा जब सब्जेक्टिव को व्यू करेगा तो उसको आपकी गाइडलाइंस आ जा जाएंगी जैसे इंस्ट्रक्शन थी सॉल्व करना तो आप जो इंस्ट्रक्शन लिखना चाहें लिख सकते हैं तो ये उसका क्वेश्चन पेपर उसके सामने आ गया है बच्चा ये क्वेश्चन पेपर खोलकर इसको डाउनलोड भी कर सकता है यहां से वो इसको डाउनलोड कर ले उसके स्क्रीन पर डाउनलोड हो जाएगा ऑफलाइन मोड में हो जब बाद में बैठकर जब मर्जी सॉल्व करता रहे प्रिंट ले ले वो जब इस क्वेश्चन पेपर को जो उसके सामने आ जाएगा वो इस क्वेश्चन पेपर को अपने स्कून से डाउनलोड्स के अंदर से जाके ये आ गया वो डाउनलोड्स के अंदर से जाके उसको ओपन करेगा ये टेस्ट उसके सामने आ जाएगा जी पूरी तरह से आ, ये टेस्ट खुल रहा है जी अभी डॉक की फाइल खुल रही है हमारी वर्ड की तो जो टेस्ट बना हुआ है हमारा वो उस बच्चे के सामने फौरन आ जाएगा ले तो ये टेस्ट बच्चे के सामने आ गया तो ये जो टेस्ट है वो और इसमें मैंने तीन शॉर्ट क्वेश्चन थे दो ईडियम से बच्च, आप लॉन्ग रखें जो भी रखें पर जितने इसके टोटल पॉइंट्स बने असाइनमेंट जब स्केड्यूल कर रहे हैं तो वहां उतने टोटल पॉइंट्स लिख दें एक मरतबा तो बच्चा इस क्वेश्चन पेपर की मदद से अपनी आंसर शीट पर सॉल्व करेगा क्योंकि हम यूजली बच्चे को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो आंसर शीट पर सॉल्व करे तो स्पेशली फॉर एनुअल एग्जामिनेशन तो आप उसको आंसर शीट पर सॉल्व करवाएं कि वो उसको करे और वहां से वो पिक्स ले ले और पिक्स को पिक्स को की सूरत में भी अपलोड कर सकता है पीडीएफ की सूरत में भी अपलोड कर सकता है लेकिन अगर आप चाहते हैं बच्चा वहीं टाइप करे तो जहां हमने टेस्ट बनाया था क्विज वहीं आप जो है टेक्स्ट का लिंक दे, दे दें तो बच्चा वहीं टाइप भी कर सकेगा फिर उसको से असाइनमेंट की सूरत में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देना पड़ेगा और वो उसको इस तरह से सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा लेन जी आ, हम इस पेपर को जो है वो एक डेमो सॉल्व करके देखते हैं आ, इस पेपर को ये जो गौर करें जब बच्चा पेपर सॉल्व कर लेगा उसकी पिक्स लेगा पिक्स वो लैपटॉप में कन्वर्ट करे सिस्टम में करे या मोबाइल से ही वो इसको कर सकता है तो वो यहाँ एड वर्क के ऑप्शन पर जाएगा और एड वर्क के ऑप्शन पर जाकर वो अपनी उस एक सॉफ्टवेयर है बहुत सारे सॉफ्टवेयर से एक सीएस स्कैनर बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है उस सी एस को आप डाउनलोड कर लें आपके प्ले स्टोर पर होता है पिक अगर आप उससे लेंगे तो वो बड़ी क्लियर पिक आएगी क्योंकि उसमें मैजिकल कलर का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो तस्वीर बिल्कुल वाजी हो जाती है तो वो देन पिक्स को आप अपलोड कर दें इधर या फिर उस ऊपर ऑप्शन आता है उसको पीडीएफ में सारी पिक्स को कन्वर्ट कर ले। तो आप यहां जाएंगे अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस और यहां से आप जो जो है है वो वो अपना आंसर शीट या पिक्स अपलोड कर सकते हैं मैं फर्ज करो ये एक क्वेश्चन जो मैंने आंसर शीट सॉल्व की हुई थी वो मैंने तो सिलेक्ट कर ली एक से ज्यादा तस्वीरें तो भी सिलेक्ट हो सकती हैं तो आप उनको सिलेक्ट करें और डन कर दें आप बार बार एक एक तस्वीर करके भी अपलोड कर सकते हैं एड वर्क एड वर्क एड वर्क करते जाए और देन जब आप सारा काम कर चुके हो अपना टेस्ट अपलोड कर चुके हो आपने क्या कर देना टर्न इन कर देना ले जी ये टर्न इन करते ही आप आ, को जो है वो कोई ना, कोई ना ग्राफिक भी दे रहा होता है वो आपका आ, जो आंसर शीट है वो सबमिट हो गई है टीचर के एंगल से अब देखते हैं जी हम दोबारा जाएंगे टीचर अब अपनी आ, जो ऐप से देख रहा है तो वो टेस्ट टीम में दोबारा आपने जाएगा और अपनी आ, इंग्लिश के चैनल में जाकर वो अपनी असाइनमेंट जो है उसको वो व्यू कर सकेगा ले जी वो व्यू असाइनमेंट करेगा और उसको नजर आ जाएगा कि कितने बच्चों ने आप, जो है उसको टेस्ट सॉल्व करके सबमिट करवा दिया It's opening जी लें जी आपको नजर आ गया कि इस स्टूडेंट ने टर्न इन कर दिया हुआ है टीचर क्या कर सकता है इसको क्लिक करे और उस बच्चे ने जो आंसर सेंड किया है यहां उसकी उसको पिक्स आ जाएंगी एग्जैक्टली exactly. अगर ज्यादा पिक सेंड की है तो ज्यादा आ जाएंगे भी टीचर क्लिक कर करके कर सकता है और एक ही अगर पीडीएफ फाइल है तो उसके नीचे की तरफ टीचर यहां से जा सकता है तो आप क्या करेंगे यहां उसको चेक करेंगे यहां उसको फीडबैक देंगे कि बेटा आपकी ये गलती है तो क्वेश्चन टू में ये आपने गलत लिख दिया है ये लिख दिया है और आप एट द एंड उसको मार्क्स दे देंगे आपने उसको दे दिए थ्री मार्क्स तो मतलब चले हम इसको नाइन दे लेते हैं जी एक अच्छा बच्चा कंसिडर कर लेते हैं और रिटर्न कर दिया जैसे मैं इसको रिटर्न करूंगा तो ये टेस्ट उस बच्चे को वापस पहुंच जाएगा और सबसे मजे की बात यह है कि ये रेकेड आपके पास भी सेव हो चुका है एग्जेक्टली exactly आपके पास भी आ चुका है कि आपने किस बच्चे को कितने मार्क्स जो हैं वो अवार्ड है तो जब आप वापस टीम्स पर जाएंगे पीछे वही असाइनमेंट की तरफ रिटर्न करेंगे तो जैसे आप ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते थे एक्सेल डाउनलोड कर सकते थे एक्सपोर्ट टू तो एक्सेल आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आ, पूरी डाउनलोडेड फॉर्म में आ जाएगी आप इसको क्लिक करके ओपन करके देख सकेंगे कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स आपसे लिए ये आपके पास ग्रेड शीट आ गई तो आप इस ग्रेड शीट को ओपन करें जी और इस ग्रेड शीट में देखें आपने इस बच्चे को नाइन मार्क्स दिए थे आपने पूरी क्लास का इस तरह जो चेक किया होगा उसका पूरी का रिजल्ट आपके सामने इधर मौजूद होगा और एट द एंड आप ऑब्जेक्टिव वाले भी इधर लाके पेस्ट कर दें और एक फार्मूला लगा के डी प्लस डी प्लस जो ई में आपने ऑब्जेक्टिव लगाया होगा डी प्लस ई जब आप एफ में पेस्ट करेंगे तो वो आपका जो है वो रिजल्ट आपके सामने होगा तो टोटल ऑब्जेक्टिव इस तरह से टेस्ट ले सकते हैं सो देट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे इफ यू डू हैव एनी don't प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क आई be there फॉर यू पीपल यू कैन आस्क questions इन कमेंट्स और anywhere, any एनी that you यू नो मी और यू कैन me. मी Hafiz.